एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक गांव में दो लड़के रहते थे, एक का नाम था अरविंद, दूसरे का नाम था राहुल। बहुत अच्छे दोस्त। जो अरविंद था वो बहुत कुछ अपनी जिंदगी में कर चुका था, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, सब कुछ जो इंसान की जिंदगी में होना चाहिए वो उसके पास था। जो राहुल था वो भी उसका दोस्त, डिग्री दोस्त, जो कहीं ना कहीं जिंदगी में पीछे रह चुका था। राहुल ने सोचा कि अरविंद अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर चुका है, आगे बढ़ चुका है, क्यों ना मैं एक बार अरविंद से एडवाइस लूं कि जिंदगी में आगे क्या करूं जिससे उसके जैसी सक्सेस राहुल को मिल जाए। राहुल परेशान होके अरविंद के पास गया। अरविंद से बोला, भाई तेरे पास सब कुछ है, मुझे भी कुछ मूल मंत्र बता जिससे मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। तो अरविंद ने 5 मिनट सोचा और उसके बाद जवाब दिया कि कल मेरे को नहर के किनारे राहुल तू मिलना। अब रात भर सोचता रहा राहुल कि भाई नहर के किनारे ऐसा क्या समझाएगा अरविंद। तो सोचता रहा, अगले दिन आ गया। राहुल उठा और सीधा नहर के किनारे चले गया, जहाँ पे अरविंद उसका पहले से इंतजार कर रहा था। अरविंद को देख के उसने बोला, हाँ भाई बता मेरे को सक्सेस का तरीका, कैसे सक्सेस मिलेगी मेरे को जिंदगी में। तो अरविंद ने बोला कि तेरे को मेरे साथ इस नहर को पार करना होगा। राहुल ने बोला चलो ठीक है, और अरविंद और राहुल चलने लगे नहर में। धीरे धीरे उनकी टांगों तक पानी आया, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे, उनकी नाभि तक पानी आया, फिर धीरे धीरे वो और आगे बढ़ने लगे, उनके गले तक पानी आ गया। जैसी गले तक पानी आया, अरविंद ने झट देमी से राहुल का गला पानी में डुबो दिया। राहुल तड़पड़ाने लगा, डर गया, मानो सांस निकल गई हो, तड़पड़ाने लगा एकदम। राहुल ने बहुत जोर लगाया एकदम, अरविंद से झटका मार के उसने अपनी शक्ति से बाहर निकला। उसने बोला, तूने ऐसा क्यों किया? अरविंद ने बोला, इसका जवाब मैं बाद में मांगूंगा, सबसे पहले जब तू पानी में था तूने क्या सोचा? तो राहुल ने बोला कि बस मेरे को किसी ना किसी तरीके से सांस मिल जाए, यही सोचा। तो अरविंद ने बोला, यही सफलता का रहस्य है, जब सांस लेने के लिए तुम इतने पागल हो गए कि तुमने मुझे धक्का दे दिया, उसी तरीके से तुम सक्सेस के पीछे इतने पागल हो जाओ, इतनी भी कठिनाइयां आए, कोई भी कुछ भी रुकावट आए तुम्हें रोक ना सके, तुम बस अपने रास्ते चलते रहो, कोई भी ताकत दुनिया की तुम्हें रोक नहीं सकती।